हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फानुक कंट्रोलर में पार्ट काउंट को किस प्रकार से चेंज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पार्ट काउंट है, यहाँ पर हमें पार्ट काउंट चेंज करना है, तो हमें दोस्तों किस प्रकार से करना है आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों MDI मोड सिलेक्ट वाला बटन है, यहाँ पर हमें दोस्तों MDI मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर MDI मोड सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर कीपैड में हमें ऑफसेट बटन को क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑफसेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हमें ऑफसेट की को प्रेस करना है। जैसे ही हम ऑफसेट की को प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अप डाउन का एरो है, यहाँ से हमें डाउन जाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट काउंट, तीसरी लाइन में यहाँ पर दोस्तों पार्ट काउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम पार्ट काउंट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर 00 करके इनपुट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 00 हो चुका है। आइए मैं आपको आगे स्क्रीन पर भी दिखा दूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हो पार्ट काउंट है, यहाँ पर 00 हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें पार्ट काउंट को चेंज करना है। दोस्तों MDI मोड की जगह यहाँ पर अगर ऑटो मोड में होता है अगर, और आप पार्ट काउंट चेंज करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर पार्ट काउंट चेंज नहीं हो पाता, कुछ अलार्म आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं पार्ट काउंट को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलार्म आ चुका है। तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी हमें पार्ट काउंट में चेंजेस करना है, तो मोड को हमें MDI मोड में रखना ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ पर पार्ट काउंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।